संसद भवन में आज जिस तरह से दो युवक घुसे और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से स्मोक क्रैकर्स का इस्तेमाल किया वो अपने आप में संसद की सुरक्षा में एक बड़ी सेंधमारी थी। आज से कई साल पहले 2001 में भी आज ही के दिन संसद भवन पर हमला हुआ था और उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो आज उसकी बरसी थी और आज ही के दिन एक बार फिर से संसद भवन की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई और इस चूक की जो पटकथा है वो गुरुग्राम के इसी मकान में लिखी गई थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अगर माने तो गुरुग्राम के साथ एक्सटेंशन के इस मकान में जो विक्की नाम का जो एक व्यक्ति था वो यहाँ रहता था अपने परिवार के साथ और आरोप है कि इसी के घर पर वो सभी जो हमलावर है एक तरह से जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया संसद भवन के अंदर और बाहर वो सभी लोग इसी मकान के अंदर रुके थे और यहीं से वो दिल्ली गए थे। तो आरोप यही है कि वो सब लोग यहाँ पर विक्की जो जो एक युवक है उसके घर पर रुके थे, कई सालों से वो गुरुग्राम के इसी मकान में रहता था और जब इन लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके बाद जो पूछताछ हुई उसी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने इस घर के अंदर रहने वाले विक्की और उसकी पत्नी दोनों को ही हिरासत में दिल्ली पुलिस ने ले लिया है, उनको यहां से लेकर के जा चुकी है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो अंदर मौजूद है और इस घर के अंदर फिलहाल बताया जा रहा है कि विक्की की जो बेटी है वही अकेली मौजूद है, जिससे कि अब गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि सभी जो लोग हैं वो यहीं मौजूद थे। ये भी कहा गया है कि यहाँ पर वो छह लोग आए थे करीब जो कि, और उसके बाद वो लोग छह के छह लोग यहाँ से गए थे जिन्होंने संसद भवन के अंदर ना सिर्फ अंदर घुसे बल्कि बाहर भी दो लोगों ने एक तरह से स्मोक जो क्रैकर्स है उनका इस्तेमाल किया था। तो ये अपने आप में एक बड़ी चूक आज संसद भवन के अंदर हुई थी जिसकी एक तरह से जिसके ऊपर अब कहा यही जा रहा है कि सारी पटकथा गुरुग्राम के इसी मकान में लिखी गई थी और इस मकान का जो मालिक है विक्की उसको और उसकी पत्नी को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18, गुरुग्राम।